हेलो एवरीवन, तहसीलदार की जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस किताब से तैयारी करें जहां से पेपर आ सकता है, ऑनलाइन तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है, सिलेबस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, अच्छे नंबर लेने हैं, कौन सी गलती नहीं करनी, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स और अप्लाई करने का तरीका इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यकीनन इसकी तैयारी के लिए आपको PDF बुक्स चाहिए होंगी, सैम्पल पेपर, पास्ट पेपर वगैरह, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और आपको डाउनलोड करने का या हासिल करने का तरीका आगे जाके बता देते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इसका ये फायदा होगा कि आगे हम तैयारी के हवाले से चीज़ें शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो चीज़ें इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम तहसीलदार का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें चार पेपर होंगे टोटल। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन का होगा, दूसरा उर्दू ऐसे और कंपोजिशन का होगा, तीसरा MCQs जो टाइप होगा जिसमें जनरल नॉलेज अप्रोक्सीमेटली 70% जनरल नॉलेज में, पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर जनरल नॉलेज, ये जियोग्राफी बेसिक मैथ की, यानी कि जो PPSC में आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं, और 30% कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे जिसमें MS Office, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल, इट वगैरह। और चौथा पेपर जो होगा वो रेवेन्यूज लॉस के हवाले से होगा। ये 90 मिनट में पेपर होंगे दोनों जो है, और इसमें 100 MCQs होंगे। नेक्स्ट बात की जाए तहसीलदार कौन होता है, तो ये बेसिकली तहसीलदार क्लास अवल का एक ऑफिसर है जो पंजाब के महकमा रेवेन्यू के तहत 16वें स्केल में काम करता है। ये मुगलिया दौर से बेसिकली काम कर रहा है और पाकिस्तान इंडिया में ये होता है। इसके बाद तनख्वाह की बात की जाए तो 60,000 से तकरीबन ज़्यादा ही होती है। ये कैसे होता है, पटवारी भी जो भर्ती होता है वो बाद में कानून गो गर्दावर बनता है, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, और फिर असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू यानी कि डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी यही है कि ये मजिस्ट्रेट दर्जा दोनों के इख्तियार हासिल होते हैं और इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए छोटे मुकदमात की समाअत करता है, महासर अहलकारों के खिलाफ शिकायात की तहकीकात करता है, और इसके अलावा तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा बल्कि मदरजा जैल इख्तियारात भी हैं। इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल, शीमेल, सारे अप्लाई करते हैं, पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मर्द की जो एज है 21 से 33 साल, औरत की जो एज है 21 से 36 साल के अराउंड अबाउट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन में अगर आपने जो HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, और प्लस कंप्यूटर आपको आता हो अच्छे से। तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट की बात की जाए तो testpoint.pk वेबसाइट है, इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पास्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगी, डिटेल के साथ मिलेंगे, और ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे 80 से 95% के करीब पेपर कवर हो जाता है, क्योंकि PPSC आजकल रिपीट क्वेश्चन नहीं करता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और वो उसी सूरत में आते हैं कि आप डिटेल से पढ़ लें, तो इस वेबसाइट से आपको डिटेल से मिल जाएंगे। किताब की बात की जाए तो तहसीलदार नैब तहसीलदार गाइड आपको मार्केट से मिल जाएगी, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 पेपर बुक अगर आप ले लें तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें रेवेन्यू लॉ भी है तो आप तहसीलदार नैब तहसीलदार गाइड लेने से पहले चेक कर लें क्या उसमें ये है, इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन, उर्दू ऐसे कंपोजिशन हो तो लें, और उस राइटर की लें जिसमें ये तमाम सिलेबस कवर हो, अदरवाइज ऐसे ना ले लें। PSC के पास्ट पेपर 2021-22-23 के अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आपके हेल्प, इससे पीछे वाले बेशक ना पढ़ें लेकिन 21-22-23 को डिटेल के साथ पढ़ें। वो पेपर आपको testpoint.pk वेबसाइट से डिटेल के साथ मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे कि इस्लामिक स्टडी के जितने 2021 में क्वेश्चन हैं सारे एक जगह पर मिल जाएंगे, इसी तरह इंग्लिश के, पाकिस्तान स्टडी, सारे जो जो 21 में आए, 22 में आए, 23 में आए, सब्जेक्ट वाइज। अब गूगल पे जाके PPSC पास्ट पेपर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से भी जाके इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि आपने अच्छे से तैयारी करनी है, कम अज कम 3 दफा पढ़ना है। गलत तरीके से अगर आपका ख्याल है कि आपको जॉब मिल जाएगी तो ये आपका गलत ही कंसेप्ट है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मिल भी जाए तो जो है राम है, और ज़्यादातर ये नहीं इस तरह होता, और बहुत तैयारी की नंबर नहीं आते तो क्या इशू है। इसकी मेन वजह यही है कि लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। अगर आप जिस दिन आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, टॉपिक वाइज तैयारी अच्छे से कर ली, इंशाल्लाह आप जॉब के करीब करीब पहुँच जाएंगे। तो अगर या तो आप अपने नोट्स बना लें, नहीं बना सकते तो बेहतर है कि टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पढ़ें, यहाँ पे हमने समझो नोट्स ही हैं, डिटेल से लिखा हुआ है, तो आपको काफ़ी हेल्प इंशाल्लाह मिल जाएगी।
तैयारी जो है टेस्ट पॉइंट डॉट पी के क्या जो ऑफिशियल चैनल है पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल के नाम से, यहाँ से आपको होती रहती है, पास्ट पेपर शेयर करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। पीएपीएससी पास्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, 2021-22-23 के डिटेल के साथ पढ़ें, और ये आप अगर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा फिर जो सब्जेक्टिव है ऐसे, और इसके अलावा रेवेन्यू लॉ वगैरह, तो इनको भी अच्छे से आपने तैयार करना है। सिलेबस से अगर आप मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, अगर सिलेबस से आगे पीछे भागेंगे तो तैयारी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ये जहन में बैठा लें। सिलेबस के मुताबिक तमाम सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, इंशाल्लाह अच्छी तैयारी है। अब बात रही कि कैसे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, पास पेपर हासिल कर सकते हैं, चैनल के नेम के नीचे देखिएगा इस तरह लिंक होगा, आप इस पर क्लिक, ये आपके सामने इस तरह से चैनल आ जाएगा, यहाँ से तहसीलदार नैपसिल वगैरह सारे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, पीडीएफ बुक्स, सिलेबस, इसके अलावा जीबी, जो भी भारत पाकिस्तान में तहसीलदार से आपको आइडिया भी हो जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपरों में आते हैं, तो यहाँ से आपको जीके, इसके अलावा इंग्लिश वगैरह के पेपर भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो गूगल पे जाके आपने तहसीलदार टेस्ट पॉइंट सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके भी ये ले सकते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा है तहसीलदार पास पेपर, तो ये टीपी लिखा है, ये आपने वेबसाइट जरूर चेक करनी है टेस्ट पॉइंट, तो इस पर आप क्लिक करके ये ले सकते हैं। रही बात अप्लाई करने का तरीका, तो आपने गूगल पे जा पीपीएससी लिखना है, पीपीएससी की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर, ये आपके सामने आ जाएगा, आई अंडरस्टैंड वगैरह पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे तमाम पोस्टें आ रही जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको पोस्ट नजर ना आए तो आप यहाँ पे सर्च बटन में तहसीलदार लिखेंगे तो ये देखो टॉप पे आ, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपने फिर वही तहसीलदार को टी से तहसीलदार, अगर ना भी आए तो कंसोलिडेशन यानी कि वो जो आपकी पोस्ट है उस हिसाब से सर्च कर लें, जैसा कि हम मैंने टी ऊपर लिखा है या तहसीलदार पूरा लिखा तो ये देखो टॉप पे आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, यहाँ पे तमाम डिटेल आ गई है कितनी पोस्टें वगैरह हैं, और इसके अलावा फीस वगैरह की भी डिटेल है, क्लोजिंग डेट, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये तमाम उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हाँ, उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है आपने, यहाँ पे आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, दोबारा सीएनएसी नंबर, इसी तरह प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो सर आएगा उसी तरह आपने अप्लाई कर लेना है। अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।